कैलाश पत्र जी के बिना सावन के कोई महत्व ही नहीं है, वो ही नहीं सकता, जैसे राजनारायण जी के बिना रामायण नहीं हो सकती, जैसे तुलसीदास के बिना रामायण लिखी नहीं जा सकती थी, अब राजनारायण पंडित जी ना हो तो रामायण पढ़ी नहीं जा सकती, ऐसे ही मैंने कैलाश पत्र जी ना हो तो सावन बिल्कुल अधूरा है, फीका सावन है। Yeah.
जो कि पाप पंडित जी ने पीछे कही थी कि खंड खंड ना रहे हम लोग अखंड हो जाए, तो आज वो नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। आज का प्रोग्राम ना आपने कहा अमित, ये सारी कमेटी का है, मेरे प्रधान अश्विनी खन्ना जी, भीम अग्रवाल जी और रल्लन साहब, सुभाष अरोड़ा जी से हम हमेशा ज्ञान लेते रहते हैं, आंटी भी समझाती रहती हैं, कांता बाबा आंटी से भी सलाह करते रहते हैं, तो आगे भी प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से होंगे। 23 तारीख को भजन संध्या है राकेश गुलाटी जी की, 26 तारीख को जन्माष्टमी महोत्सव है, तो आपसे यही निवेदन है जैसे कि आप लोगों के सहयोग से इस मंदिर की लोगों की आस्था दोबारा आप लोगों में जागी है, सब हम इकट्ठे हुए हैं, अपना आशीर्वाद प्रभु से आके यहीं से लेते रहे। जय श्री राम। मंदिर कमेटी सदैव आपके साथ है, जो जो आप लोग बताते रहेंगे हम लोग करते रहेंगे, और विशेष तौर पर मैं सहयोग हमारे बड़े भाई गुरबानी जी का, जिन्होंने मतलब एक हनुमान की तरह यहाँ खड़े रहते हैं, जितना पीछे काम हो रहा है, सुरेंद्र गुरबानी जी, रजेंद्र पुरी जी, भीम अग्रवाल जी बाहर गए हुए हैं, वो आते रहते हैं, काम कराते हैं और फिर चले जाते हैं, मतलब पूरी टीम का सहयोग है, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि मंदिर नई ऊंची ऊंचाइयों पर जाएगा और आपको गर्व होगा कि हम मीटिंग ब्लॉक मंदिर के सदस्य हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई। Yeah.